सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। आर्क सर्वाइवल रिवोल आर्क प्राइमल फियर 100X की। तो गाइस, आर्क प्राइमल फियर 100X के पिछले एपिसोड में गाइस आपने देखा होगा कि हमने जो ना गाइस फाइनली नोवा द डिस्ट्रॉयर जो बॉस है ना गाइस, उसको बनाने के लिए जो भी सारी चीजें चाहिए होती है ना गाइस, वो सारी चीजें इकट्ठा करके रख ली थी। और आज बस हमको क्योस एंड स्पिरिट वाला ऑर्ब जो ना गाइस वो बना लेना है। एंड गाइस, क्योस और स्पिरिट ऑर्ब से जो ना गाइस अभी आज की इस एपिसोड में हम नोवा द डिस्ट्रॉयर टायर फाइव का फाइनल जो बॉस है ना गाइस, जिसको यहाँ पे पेलम पाल देने वाले और उसको मार के जो ना गाइस यहाँ पे हमको जो खतरनाक सी सोल मिलेगी ना, उससे हम किसी ना किसी अपने खतरनाक एंड ऑब्वियसली डिमोनिक वाले डायनो को जो ना गाइस इवॉल्व करने का काम भी अगले एपिसोड में करेंगे। और आज नोवा द डिस्ट्रॉयर से भिड़ने वाली है अपनी सेलेस्टियल फ्यूरॉक्स की खतरनाक एंड ओपी आर्मी। तो आज का जो एपिसोड है ना गाइस, वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और इस वाले एपिसोड में काफी खतरनाक और डेंजरस सी जो है ना गाइस फाइट भी होने वाली है गाइस। तो गाइस, अंत तक ये एपिसोड जरूर देखना। और गाइस, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। हम 80,000 सब्सक्राइबर के गाइस काफी ज्यादा नजदीक है, तो फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब करके 80,000 का जो गोल है ना गाइस, वो कंप्लीट करने में हेल्प कर देना गाइस। तो चले भाई लोग, करते आज का खतरनाक एंड ओपी सा हमारा जो एपिसोड है गाइस, सर्वाइवल रिवोल्ट प्राइमल फियर 100X का, वो बिना किसी देरी के शुरू एंड फुल टू तबाही मचा डाल दे। और यहाँ पे जो ना गाइस, हाँ मेरे को आर्टिफैक्ट की जरूरत थी गाइस, रुक जाओ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आर्टिफैक्ट जो ना गाइस, आर्टिफैक्ट तो स्पॉन हुए होंगे, क्योंकि गाइस डिमोनिक वाले जो गाइस बंदर और पैरासोरस और ओबीस है ना गाइस, उनके अंडे जमा करने के लिए जो ना गाइस मैंने काफी ज्यादा टाइम तक इंतजार करा है। ये जो डिमोनिक वाले डायनो ना गाइस अंडे देने का नाम ही नहीं ले रहे थे भाई इसके आगे, मेरे को काफी ज्यादा टाइम जो ना गाइस इंतजार करना पड़ा, तब जाके गई भी जो ना गाइस उन लोगों ने भाई एक एक दो दो अंडे दिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कितने अंडे है। उससे पहले जो ना गाइस अपने पास मतलब डायनो के कितने अंडे, मेरे पास तो दो ही अंडे। चलो आ जाओ, लेट्स गो। हम भी जो ना गाइस इनके सारे के सारे आर्टिफैक्ट उठा लेता हूँ एंड अपन चल देगा। अरे यार कर देना छोटी बात, रुक जाओ। कौन है भाई? बस भेज गया, 79,000 का डैमेज दे रही मेरी शॉटगन, एक गोली में डायरेक्टली मार दूंगा गाइस एक एक। भाई ये टॉक्सिक टैरेंटला बिरेंटला को भाई बहुत ज्यादा खतरनाक वाला डैमेज दे रही है अपनी शॉटगन। आ जाओ, आर्टिफैक्ट अपने पास आ चुके हैं। अंडे में दिखा देता हूँ गाइस कितने हो चुके हैं गाइस डिमोनिक वाले मेरे पास, ठीक है। 11 डिमोनिक वाले अंडे अपने पास आ चुके हैं गाइस, एंड सिलेस्टर वाले अंडे तो अपने पास पहले से पड़े हुए थे। तो अभी हम जो ना गाइस वो क्या बोलते हैं ऑर्ब जो ना गाइस क्योस और स्पिरिट वाले वो बड़े आराम से बना सकते हैं गाइस, ठीक है। ले बेटा, अरे सिलेस्टल डिमोनिक और एलिमेंटल किबल भाई, ये ले भाई सिलेस्टल एलिमेंटल बना दे भाई, किबल भाई चार ले, एलिमेंटल चार किबल बना ले, सिलेस्टल वाले बना डाल भाई चार, चल सिलेस्टल वाले तीन बना ले भाई, ठीक है। डिमोनिक वाले बना डाल भाई चार भाई, ठीक है। अच्छा भाई कंटेन और भाई एक काम कर ले भाई, पांच बना डाल भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, डन। अरे यार एक और एक और एक और एक और बनाना पड़ेगा, रुक जाओ। सारा सामान ये पहले से बोल रहे गाइस, ठीक है, डन। चलो तो ये सारे किबल बन रहे हैं, यहाँ पे आर्टिफैक्ट डाल दे, आर्टिफैक्ट डाल दे अंदर भाई, आर्टिफैक्ट इसके अंदर डाल देता हूँ, ट्रैंक बिंग डाल देता हूँ, किसी काम का नहीं मेरे। एंड और कुछ है क्या, और फालतू का सामान जो मैं यहाँ पे डाल सकूँ गाइस, रुक जाओ। काफ़ी ज़्यादा फालतू का सामान है, छोटू सा एक्सपी पोशन डाल देता हूँ, ये भी डाल देता हूँ, प्राइमल वाले रॉकेट डाल देता हूँ, शॉटगन की शेल मेरे पास ही रहने दो, ठीक है। एंड ये डाल देता हूँ गाइस, ठीक है, ये मेरे किसी काम के नहीं है। ऑलराइट, डन, काम 25। और कुछ डालना है इसके अंदर? डायनोज तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा भर भर के यार, सोल टर्मिनल के अंदर ये सारे डायनो डालने पड़ेंगे यार, ठीक है, सोल टर्मिनल के डालने पड़ेंगे। और बना और वेरवी को पाँच नहीं भाई, एक ही बनाना है, वन एंड ये वाला वन गाइस, ठीक है। डन 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 गाइस, सारा सामान जो है ना गाइस वो बन चुका है गाइस यहाँ पे। और बनाने के लिए तो वो नहीं चाहिए होता है ना आर्टिफैक्ट, वरना पता चला आर्टिफैक्ट कम बढ़ गया, ठीक है। और भी बन चुके हैं बॉस सामान, टायर फाइव फाइनल बॉस टायर फाइव का है अपना प्यारा प्यारा सा नोवा द डिस्ट्रॉयर, जिसको अभी मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। लेट्स गो गाइज, डन 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 डन, नोवा द डिस्ट्रॉयर फाइनली इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद अपन ने बना ही डाला गाइज, ठीक है। भाई अभी फिरॉक्स आर्मी को भी लेवल अप करना है गाइज, और उनसे जो है ना नोवा द डिस्ट्रॉयर की फुल टू बैड बजा डालूंगा मैं भाई। देखते गाइज नोवा द डिस्ट्रॉयर अपनी फिरॉक्स आर्मी के सामने कितना टिक पाता है। और मैं नॉर्मल फिरॉक्स को यूज करने वाला हूँ, पहले बता देता हूँ, मैं जो अपना असेंडेड वाला इवॉल्व फिरॉक्स है जो माइनस में डैमेज दे रहा है, उसको यूज नहीं करने वाला, क्योंकि वो भाई डिस्ट्रॉयड इन सेकंड कर देगा इनको भाई, ठीक है। अरे यार कर देना छोटी बात भाई, भाई जंप मारने अपोजिट साइड में, रुक जाओ, जंप मारने थोड़ा सा रनअप लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ले भाई, ओए अरे यार ये काय की जंप है भाई, तो भाई एक ही जगह पे मारे भाई, खड़े खड़े जंप मार दे, ठीक है, यहाँ पे अटक जाते हैं ना गाइस। हाँ भाई मार दी जंप, चलो लेट्स गो।
ये वाला एरिया क्लियर करता एंड भाई सिलेस्टियल फिरॉक्स की जो ना गाइस आर्मी को बाहर निकाल देता भाई, ठीक है। वैसे मैं एक और सिलेस्टियल फिरॉक्स को टेम करने वाला था बट गाइस कोई भी स्पॉन नहीं हुआ था गाइस, मैंने चेक करा था वीडियो चालू करने से पहले, तो कोई भी सिलेस्टियल फिरॉक्स स्पॉन नहीं हुआ था, उस रीजन से जो ना गाइस हम उसको टेम ना कर पाए, एक और फिरॉक्स टेम नहीं कर पाए। आ जाओ, पूरा एरिया क्लियर गाइस, ठीक है, आ जाओ, लेट्स गो सिलेस्टियल फिरॉक्स भाई, ठीक है। असेंडेड वाला नहीं चाहिए मेरे को, असेंडेड वाला नहीं चाहिए भाई, ठीक है, ये वाला असेंडेड है, नहीं ये वाला असेंडेड है भाई, ठीक है। टोटल 4 फिरॉक्स है तुम्हारे भाई के पास, और इन हर एक फिरॉक्स की जो ना गाइस एकदम खतरनाक है, ओपी वाली लेवल है गाइस, ठीक है, एकदम डेंजरस वाली लेवल है गाइस, चारों के चारों फिरॉक्स की। ये ले बेटा, एंड ये रहा भाई अपना एक और सिलेस्टियल फिरॉक्स गाइस, ठीक है। रेडी सेडी गो, रुक जाओ, रेडी सेडी गो नहीं गाइस, मेरे को इनको भाई एपीएम के वाला पोशन इम्प्रिंटिंग वाला खिला के और इनकी मैक्स लेवल अप कर लेनी है भाई, ठीक है। अरे यार डैमेज में डालने थे मेरे को, इसका हेल्थ तो मैंने 700 मिलियन का डाला है गाइस, 700 मिलियन डायरेक्ट ले, एंड इसको अपन खिलाने वाले गाइस एपीएम के वाला पोशन ताकि इनका डैमेज जो ना एकदम तगड़ा वाला हो सके। गाइस कितने सेकंड आपको लग रहा है कि ये बॉस अपने सामने टिक पाएगा, नीचे कमेंट मार के बता देना आपको क्या लग रहा है कितने सेकंड टिक पाएगा। हर एक फिरॉक्स जो ना गाइस वो मैक्स लेवल का है, प्लस उसने गाइस यहाँ पे खा रखा है गाइस इम्प्रिंटिंग वाला पोशन गाइस, तो मैं बोल नहीं सकता इनका डैमेज कितना जाएगा, मेरे को लग रहा है काफी खतरनाक वाला डैमेज तो जरूर जाएगा गाइस, ठीक है। ले बेटा डन, ये मैक्स लेवल ही है, पावर अप डन, नाइस भाई, हर एक फिरॉक्स की पावर अप करनी सबसे पहले, पावर अप डन 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 डन, चला जा भाई इसकी भी पावर अप। ओ यस गाइस, फिरॉक्स आर्मी वर्सेस नोवा द डिस्ट्रॉयर गाइस, ठीक है, मजा आने वाला है गाइस। ओह भाई गाइस रेडी हो इस सदी की सबसे खतरनाक वाली फाइट के लिए, रेडी हो आप भाई? अभी मैं यहाँ पे स्पॉन करने वाला हूँ, रुक जाओ, मेरी इन्वेंटरी से सारा सामान फेंकने दो गाइस, ठीक है, नो वादर डिस्ट्रॉयर को गाइस, ठीक है, 1 2 3 लेट्स गो भाई। हेल्थ भाई नो वादर डिस्ट्रॉयर किए भाई 200, अरे भाई ये तो बच्चा है, चेप डालो बच्चे को, बच्चे मन के सच्चे और बच्चों के पड़ गए कच्चे भाई, अरे मरने वाला है, अबे मर रहा है क्या, वो अटैक के अंदर क्यों जा रहा है भाई, मेरे फिरॉक्स की बैंड बच गई यार, मेरे फिरॉक्स मरने वाले थे, बाल बाल बचाओ गाइस, पहले अंडा उठान दो गाइस, आपको दिखाओ गाइस मेरे फिरॉक्स की हालत, वेट अ मिनट भाई, बाल बाल बचाओ भाई यहाँ पे, रुक जाओ कुछ अच्छी चीज है क्या, ये वाली नहीं चीज भाई, वो बॉस के अंदर से कुछ तो मिला होगा ना, हाँ ये वाला भाई, अरे उठा ले भाई एडमिन बोर्ड, हाँ नाइस गाइस, रुक जाओ फिरॉक्स की हालत दिखाता मेरे गाइस, भाई मैं वापस ना उठाऊंगा इनको, ये वाले फिरॉक्स ठीक ठाक ही है देखो, अरे यार ये तो फुल हेल्थ हो गई इनकी, क्रायो करने के बाद इनकी हेल्थ, अरे यार क्रायो करने के बाद हेल्थ फुल हो जाती है यार इनकी गाइस, भाई वीडियो में जाके देखना भाई, पूरा लाल नीला हरा पीला बन चुके थे हर एक फिरॉक्स गाइस, मरने की कगार तक आ चुके थे भाई, किसी भी सेकंड मर सकते थे। अच्छा हुआ मैंने नीचे उतर के जो ना गाइस फटाफट से उनको क्रायो कर लिया, वरना डायरेक्टली इन लोग की बैंड बच जाती भाई, बाल बाल बचे गाइस अपने फिरॉक्स, बाल बाल बचे यार, सच में मजाक नहीं कर रहा गाइस, बट गाइस ज्यादा टिक नहीं पाया नोवा द डिस्ट्रॉयर अपने फिरॉक्स आर्मी के सामने, ज्यादा टिक नहीं पाया। अभी आप बोलोगे उसकी तो 200 लगभग कुछ मिले नहीं हेल्थी, तो गाइज वो था गाइज, पता है ना कौन था, वो था गाइज एक रीपर, रीपर का खुद का एक आर्मर होता है, प्लस नोवा द डिस्ट्रॉयर बॉस है, उस रीजन से उसको अलग सा आर्मर मिल रहा होगा, उस रीजन से ना नोवा द डिस्ट्रॉयर आपने और वो देखा होगा गाइज, डिमोनिक रीपर जो अपने पास है उसकी जो हेल्थ है ना गाइज उतनी ज्यादा नहीं जाती है, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल आर्मर होता है उस रीजन से। बट गाइज फिर भी ना अपन ने अपन के जो फिरॉक्स है ना गाइज उनने काफी खतरनाक वाला गाइज यहाँ पे फाइट दिया है गाइज, मजा आ गया गाइज, मजा आ गया, क्या खतरनाक डैमेज वाले गाइज गन्स मिली है मेरे को, और मेरे को कुछ रॉकेट लॉन्चर मिले इनको भी बना लूँ क्या, अंडा पिंडा भी मिला है, अंडा जो ना गाइज हैच करने का काम मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी करना पड़ेगा, अभी फिलहाल के लिए जो रॉकेट मिले ना गाइज वो मैं बना सकता हूँ कि नहीं देख लेता हूँ, एंड उन रॉकेट को अपन ट्राई करके देखेंगे। वैसे आपको पता होगा कि ये रॉकेट क्या करते हैं गाइज, मैंने आपको भाई लगभग भाई 10 से 15 बार तो दिखाई दिए होंगे भाई पिछले सीरीज में ये रॉकेट, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको वापस से, चलो आ जाओ गाइज, बट भाई मजा आ गया गाइज, नोवा द डिस्ट्रॉयर बॉस ना अपने सामने टिक नहीं पाया गाइज, मैं भाई वो अपना पिकॉन द क्रिएटर से भी फाइट लूँ क्या, बट उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं ऑफलाइन में गाइज बॉस बना लूँ क्या, मैं ऑफलाइन में बॉस बना के रख दूंगा ताकि ऑनलाइन में जो ना गाइज मेरे को इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े यार, मतलब ऑनलाइन में मतलब वीडियो में इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मैं ऑफलाइन में सारी मेहनत कर लूँगा, क्योंकि भाई आपको ये बॉस बेस क्रिएशन वाली वीडियो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती क्योंकि उसमें ग्राइंडिंग होती है, आपको फाइट देखने में मज़ा आता है ये मेरे को भी पता है, इसलिए मैं ऑफलाइन में जो ना गाइज नोवा द क्रिएटर और पिकॉन द भाई नोवा द क्रिएटर ने पिकॉन द क्रिएटर और नोवा द
पिक ऑन द क्रिएटर एंड नोवा द डिस्ट्रॉयर, ठीक है, इन सारे बॉसेस को बना के रख दूंगा गाइस, ठीक है, और ओरिजिन वाले और भाई अपने डिमोनिक और सिलेस्टियल वाले बॉसेस को भी बना के रख दूंगा। आ जाओ, अभी टाइम आ चुका है गाइस इसके जो भाई रॉकेट लॉन्चर है उनको बनाने का। मेरे को पता नहीं बना सकता हूँ कि नहीं, बट अपन ट्राई करेंगे। आ जाओ, कहाँ पे भाई ये रे रॉकेट लॉन्चर, एक एक बना ले। अच्छा, एक एक बना तो सकता हूँ मैं, लग रहा है। ओ, मेरे को वो प्राइमल वाले रॉकेट चाहिए होंगे गाइस इनको बनाने के लिए, और प्राइमल वाले रॉकेट जो ना गाइस वो मेरे पास उतने ज़्यादा नहीं बड़े, बस दो ही बड़े गाइस, दो दो बन सकते हैं गाइस सारे के सारे। रुक जाओ, रॉकेट प्राइमल वाले, आई थिंक मैं प्राइमल वाले रॉकेट बना सकता हूँ यार, आई कैन मेक द प्राइमल वाला रॉकेट रॉकेट इज द, अरे 100 प्राइमल वाले रॉकेट बन जाएंगे गाइस, ये ले 12 बन जाएंगे गाइस, बड़े आराम से बना लूँगा गाइस, कोई डेंजर वाली बात नहीं भाई। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, रुक जाओ, ये सारे रॉकेट भाई भर के बना लूँगा गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस, भर के बना लिए गाइस सारे रॉकेट। अब इनके अंदर जो है ना गाइस, रुक जाओ, मेरे को ये वाला भी एक बनाना पड़ेगा, 10 नहीं बेटा, एक ही बना डाल भाई, ठीक है। चलो, अब ये सारे रॉकेट जो है ना गाइस वो चेकआउट, रुक जाओ, और बना लेता भाई, ठीक है। अब ये सारे रॉकेट जो है ना गाइस उनकी पावर मैं आपको दिखाता, जो रीपर जो है ना गाइस हमारी जो खतरनाक है, ओपीसी रीपर नहीं सॉरी नोवा द डिस्ट्रॉयर है ना गाइस, उसके सारे अटैक जो है ना गाइस मिमिक करने का काम, कॉपी करने का काम जो है ना गाइस ये रॉकेट्स करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने भाई इसे भाई इन्वेंटरी में रख दी है, वो चीज़ क्या है पता है गाइस, वो चीज़ है खतरनाक एंड ओपीसी अपने डिमोनिक डायनो को इवोल्व करने वाली सोल गाइस, ठीक है। इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, मेरे इन्वेंटरी में काफ़ी ज़्यादा जल्दी सड़ जाएगी। और अंडा भी इसके अंदर डाल दे भाई, ठीक है। चलो, पिकॉन द क्रिएटर का अंडा किधर है भाई, ये रहा पिकॉन द क्रिएटर का अंडा भाई। एयर कंडीशनर विंडीशनर बना के ना अपन शायद अगले एपिसोड में अंडे ऐड करने का काम जो ना गाइस वो कर लेंगे भाई, ठीक है। आ जाओ, अभी फिलहाल के लिए गाइस आपको मैं दिखा देता हूँ नोवा द डिस्ट्रॉयर के अलग अलग अटैक्स गाइस, ठीक है। ये देखो, ये रहा गाइस नोवा द डिस्ट्रॉयर का फर्स्ट अटैक जो अपन ने रॉकेट लॉन्चर में मिमिक कॉपी कर लिया गाइस, ठीक है। ये देखो गाइस, इसके बाद अटैक का जो ना गाइस 10,000 या 50,000 मैक्स टू मैक्स डैमेज जाता है। ये वाले जो अटैक, ये रॉकेट लॉन्चर है ना गाइस, इनका डैमेज उतना ज़्यादा नहीं जाता है। देखो, ये रहा अपना फर्स्ट वाला रॉकेट लॉन्चर, अभी दिखाता हूँ मैं आपको दूसरे वाले रॉकेट लॉन्चर्स गाइस, ठीक है। ओ, ये वाला तो भाई, ये वाला खतरनाक है भाई, देखना गाइस। ये देखो, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, अभी देखना, सारा फॉरेस्ट गायब। ओ नहीं, अच्छा ये दूसरा वाला अटैक है गाइज, ये वाला जो ना गाइज, ये देखो गाइज, ये अटैक जो ना गाइज देखना क्या करता है, ये देखो, देख रहे हो, अभी ये गोले नीचे गिरेंगे जमीन पे, और बूम बाम, ओ भाई, ये वाला भी एकदम खतरनाक अटैक है गाइज, ठीक है। ये वाले रॉकेट लॉन्चर लेकिन उतना ज्यादा खतरनाक वाला और डेंजरस अटैक नहीं दे सकते। अभी न्यूक वाला अटैक गाइज, ये अटैक देखना गाइज, ठीक है। यहाँ पे एक, अरे रुक जाओ, फॉरेस्ट नहीं हटाता मैं, दलदल हटाता भाई, ठीक है। आ जाओ, दलदल को जो ना एक सेकंड में गायब कर दूंगा मैं, रुक जाओ गाइस, देखना दलदल को कैसे एक सेकंड में गायब करता अभी मैं। देखो गाइस, ये रहा दलदल, ठीक है। अभी देखना गाइस कैसे गायब होगा भाई, अभी रिलोड मार भाई अंकल, हाँ मार दिया रिलोड, ये ले, कहाँ पे भाई, दिखाई भी नहीं दे रहा, फटेगा जाके तब दिखेगा गाइस, फट जाओ। गेम क्रैश भाई, बफर ओवरफ्लो, पक्का सुड़का बफर ओवरफ्लो भाई, मैं वापस नहीं यूज़ करूंगा उसको गाइस, गेम क्रैश कर दिया गाइस उस रॉकेट लॉन्चर ने भाई। देखो भाई, मैं बोला था ना गाइस, आउट गोइंग रिलायबल बफर ओवरफ्लो भाई, मजाक कर रहे हो गाइस। चलो गाइस, फिर एक काम कर लेते हैं, आज का जो हमारा पैरा सा एपिसोड है गाइस आर्क सर्वाइवल वॉल का, प्राइमल फियर का, ये पे खत्म कर लेते हैं। आज की बॉस फाइट जो ना गाइस वो आपको कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। अगर आज की जो बॉस फाइट है अगर आपको पसंद आई होगी ना, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। तो फिलहाल के लिए आज का एपिसोड जो ना गाइस आर्क सर्वाइवल वॉल का, प्राइमल फियर एंटरटेक्स का, ये पे खत्म होता है। वैसे फिरॉक्स वर्सेस जो खतरनाक सा बॉस था ना अपना, पिकॉन द नोवा द डिस्ट्रॉयर, वो वाली फाइट जो ना गाइस कैसी लगी वो जरूर बताना कमेंट करके यार, ठीक है। ऐसा भाई चुटकी बजा के मार दिया उसको अपन ने, हाँ अलग बात है कि उसने भी अपन को बहुत ज्यादा गंदी तरीके से डैमेज दिया था अपन की फिरॉक्स को, अपने फिरॉक्स जैसे तेजे करके वहां पे बचे। तो गाइस, वो फाइट अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलता है अगले एपिसोड में प्राइमल फियर 100X के, तब देख ले, बाय एंड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस, मिलता है सीधा अगले एपिसोड में। And how careless we be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right.
We were so young, we were so dumb. We were